ये हमारी फॉगिंग मशीन पंप स्टार्ट मशीन है। सबसे पहले इसके अंदर पेट्रोल भरेंगे। ये पेट्रोल टैंक है। पेट्रोल भरने के बाद इसको ढक्कन वापस लगा देंगे। उसके बाद में ये बैटरी बॉक्स है हमारा, जिससे कि मशीन को करंट मिलेगा। इस बैटरी बॉक्स को हम इस जगह लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सॉकेट इसका इधर लगा देंगे। ये बैटरी बॉक्स मशीन में लगाने के बाद मशीन साउंड करने लगेगा इस तरीके से। आप देख रहे होंगे ये स्पार्क आएगा इसके अंदर, ये साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, ये इस तरीके का साउंड आने लगेगा। अगर साउंड नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपके डिस्चार्ज हैं। अगर सेल डिस्चार्ज होंगे तो मशीन स्टार्ट नहीं होगी। इसमें बैटरी बॉक्स लगाने के बाद स्पार्क आ जाएगा। स्पार्क आने के बाद हम पंप करेंगे मशीन को दो बारी। मशीन को पंप करेंगे, मशीन इस तरीके से साउंड करेगा। साउंड करने के बाद ये यहाँ से पेट्रोल नॉब हम इसको ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही किया है, पेट्रोल नॉब ऊपर या नीचे कहीं भी इसको ओपन कर सकते हैं। ये दोनों जगह ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने के बाद में पंप करेंगे मशीन को दोबारा और मशीन स्टार्ट हो जाएगी। मशीन स्टार्ट होते ही ये बैटरी बॉक्स हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से आप देख रहे हैं, नहीं तो ये सेल कंज्यूम होते रहेंगे। इसको हम बाहर निकाल लेंगे और मशीन वर्किंग पोजीशन में रहेगी, इंजन स्टार्ट रहेगा मतलब। और मशीन के स्टार्ट होने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये केमिकल टैंक का जो ये ढक्कन है, इसको हम पूरा टाइट कर देंगे। अगर ये ढीला रहेगा तो भी जो इसके अंदर फॉग है ये नहीं बनेगी। इसको पूरा टाइट करने के बाद आगे एक ये लीवर दिया हुआ है यहाँ पर, इसको ऑन पोजिशन पर लेके आएंगे। और ऑन पोजीशन पे लेने के बाद ये आपका आगे से फॉग चालू हो जाएगा। फॉग चालू होने के बाद काम कीजिए, और काम करने के बाद जब मशीन को बंद करना हो तो बंद करने से पहले सबसे पहले केमिकल टैंक का ढक्कन हम इसको खोलेंगे, ताकि इसके अंदर जो प्रेशर बना हुआ है प्रेशर रिलीज हो जाए। उसके बाद में इस लीवर को ऑफ पोजिशन पर लेके आएंगे, ऑफ पोजिशन पर लाएंगे। फिर उसके बाद जो ये पेट्रोल का यहाँ पर पीछे नॉब हमने ओपन किया था स्टार्ट करते हुए टाइम, इसको हम ऑफ कर देंगे। मशीन हमारी बंद हो जाएगी। और उसके बाद एक बारी जो ये अपना पेट्रोल टैंक का जो कैप है, इसको भी एक बारी खोल देंगे, ताकि इसके भी अंदर अगर कोई प्रेशर है तो वो रिलीज़ हो जाए। मशीन आपकी सेफ पोजीशन में बंद हो गई। उसके बाद दोनों ढक्कन लगा के आप इसको रख सकते हैं आराम से। थैंक यू।